तरह से हायर एजुकेशन में सीट कट हो रहा है और एससी एसटी का आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया, रोस्टर अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसके खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली जो ड्यू जो प्रीमियर यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोटेस्ट है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी हिम्मत की आप दाद दीजिए कि सरकारी नौकरी की परवाह न करते हुए भी वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। मैम आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपको डर नहीं लग रहा? ये सरकार सबको पहचानती है, सबका आधार कार्ड है उसके पास। देखिए एक बात मैं बता दूं कि सरकार आजकल संस्कृत पे बहुत जोर दे रही है, मैं उस संस्कृत को पढ़ाती भी हूँ। और रही बात डरने की, अगर डर लगता तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और डर को जितना डराओगे ना उतना ही आपको डर लगेगा। हम लोग तो यहाँ, हमें दिहाड़ी मजदूरी करके खाने की आदत है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें निकाल भी देती है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर मुझे निकाल भी देती है तो भी मेरा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा जो हमेशा से जारी रहता है, अभी भी रहेगा। हमें ऐशो आराम की जिंदगी गाड़ियों में बंगलों में जहाजों में उड़ने की आदत नहीं है, हम आज भी सड़क पर चलना जानते हैं। एक बात है, आप इतनी हिम्मत दिखा रही हैं, ये जो बीजेपी में जो 70-73 सांसद हैं वो तो हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। देखिए ये सवाल तो उन्हीं को पूछा जाना चाहिए वो कि क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए ये कहूंगी कि निहायत बुजदिल है। अगर सारे के सारे सांसद, आप देखिए ना, तीन तरह के फरमान साथ ही साथ आए हैं। सबसे पहले 5 मार्च का लेटर जो एससी एसटी ओबीसी दलित बहुजन समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद करने का एक बड़ा फरमान है। ठीक अगले दिन ही आता है एससी एसटी जो कमीशन जो गाहे बगाहे न्याय दे देता था, मैंने ये कहा गाहे बगाहे, आप उसको कुंद कर दिया, उसको खत्म कर दीजिए, इससे अच्छा उसके अधिकारों को इतना पंगु बना दिया। नहीं, तो इसमें आप पॉलिटिकल, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप नोट करिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में एक ये कहा था आरक्षण के सवाल पे कि हम आरक्षण को इतना पंगु बना देंगे कि उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आपकी चिंता हो रही है, समाज आपको पता है जिस समाज से आप आती है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये बहुत डरपोक जमात है, ये बाबा साहब की पूरी लड़ाई लगभग अब खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है। देखिए मैं ये कहूंगी कि यहाँ जो बैठा हुआ समाज है ना वो एससी एसटी ओबीसी ही है और जो अपने नौकरी को ताक पर रखकर बैठा। मुझे तो नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी चली जाए, कोई बात नहीं, चली जाने दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। अगर आपकी आंखों में पानी है, अगर आप बहुजन समाज से नौकरी करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, संसद में विधानसभा में, तो हो सकता है कि अब आपकी कम से कम हिम्मत बढ़नी चाहिए। देखिए एक महिला है, संस्कृत की प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ कदम कदम पर जासूस है, आधार कार्ड भी इनका हो सकता है सरकार के पास हो, वो 13 फीट वाले ऊंचे दीवार में, उसके बाद भी इनके जहन में डर नहीं है। और ऐसे इनको कहिए अम्बेडकरवादी, इनको कहिए अम्बेडकर की मानस संतान जो आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पे बैठी हैं, लड़ रही हैं। और मैं अभी आपके एक सांसद से मिला हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मानसिक गुलाम हो गए हैं हमारे सांसद। सोचिए एक लगातार संघर्ष था अम्बेडकर का, उसके बाद ये आपको आरक्षण मिला था। आरक्षण सिर्फ कोई भीख नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, वो खत्म कर रही है बीजेपी की सरकार। और हो सकता है कि ऐसा लगता है कि राम मंदिर बनवाने के एजेंडे में दलितों को पिछड़ों को लगा दिया जाए। देखिए ये तो शुरू से ही रहा है, आप तो ये कावड़ वाले जो लगते हैं जब सावन का महीना आता उसमें कौन लोग होते हैं, उसमें कोई ऐसा अपर कास्ट वाला नहीं होता कि छोड़ के वो इतने दिनों तक कावड़ ले। तो ये बहुजन समाज को आप जो इतना बड़ा खतरनाक रिस्क ले रही हैं, ये अपने दम पर आप ले रही हैं, मीडिया से भी बात कर रही हैं, सोशल मीडिया भी आजकल वॉच होता है, निगरानी हो रही है, आईबी वाले निगरानी कर रहे हैं, तो लोगों को क्या कहेंगी जो अपने अपने घरों में आईएएस आईपीएस बन के बैठे हुए हैं, मतलब अपने बेटे को भी आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन जो अम्बेडकर ने तमाम कुर्बानियों के बाद ये आरक्षण का प्रावधान किया उसके लिए घरों में नहीं निकले, उनके लिए 2-4 शब्द हैं आपके पास? देखिए मैं ये कहूंगी कि आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा, मेरी स्कूल ही नहीं जाएगी तो उसको समझ ही नहीं। नहीं नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्द याद कीजिए, उन्होंने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। आज भी अगर पढ़ा लिखा समाज अपनी नौकरी को बचाने के लिए या फिर कुछ चंद टुकड़े रोटी के बाद बटर के लिए अगर इस तरीके की चापलूसी कर रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी, सचमुच डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर लगता। अगर जरूरत पड़ी, आज मैं यहाँ कर्मी के भूख हड़ताल पे हूँ, अगर
जरूरत पड़ी और ये फरमान वापस नहीं हुआ तो हम लगातार भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लगातार हम चुनौती देंगे सरकार को, चाहे हम लोगों की जान भी निकल जाए। जय भी। देखिए और भी महिला है जो बहुजन समाज से है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कौशल पवार नाम है इनका, लगातार बहुजन आंदोलन से जुड़ी हुई है। और आप सोचिए ऐसे समय में जब डर का माहौल पैदा हुआ है, पत्रकार मारे जा रहे हैं, एडिटरों की नौकरी जा रही है, रवीश जो बहुजन समाज के बड़े आइकॉन है वो रोज कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है, भाई कौशल पवार की तारीफ कीजिए, ये अंबेडकर की असली बेटी हैं, हकदार हैं उनके आंदोलन की, जो इतनी मुसीबत के बाद नौकरी सरकारी होने के बाद भी आंदोलन पर बैठी हुई हैं। और मेरे जैसा आदमी होता तो मैं बिल्कुल नहीं बैठता, मैं एकदम डरपोक हूँ, जैसे इस बहुजन समाज के ज्यादातर लोग 90% लोग डरपोक हैं, वो सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, आंदोलन खत्म हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ आपको, एकदम बास ढो के कह रहा हूँ, बहुजन समाज जिसके पास न जमीन है, जिसके पास न व्यापार है जाति की वजह से, जिसके पास न शहरीकरण हुआ है, सिर्फ एक आरक्षण था और पढ़ाई लिखाई थी, जिसके बदौलत वो समाज में अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी भागीदारी तय कर रहे थे, लगभग वो खत्म हो चुका है। हम और आप घरों में बैठे रहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।